हेलो एवरीवन, अनीशा फूड फेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गिलोय कैसे ग्रो करते हैं और इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। गिलोय को टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं हम। इसके बहुत नाम है, गुडुची अमृता फैमिली मेनिसपरमेसिया में बिलोंग करता है। इट बैलेंसेज वत पित कफ दोष इन आवर बॉडी, इसीलिए इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं। ये हमारे बॉडी में फाइट करता है काफ़ी डिजीजेस से। इसे कैसे ग्रो करते हैं चलिए मेरे साथ मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ लिया है बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिक्सचर है ये, और बहुत इजीली आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। आप बस स्टेम कटिंग ले लें गिलोय प्लांट की कहीं से और देखें उसमें नोड्स रहे दो तीन, और उसे आप कट करके पॉट में इस तरीके से डाल दें। बॉटम हिस्सा नीचे रखें और इसमें जितने भी स्टेम कटिंग है इसे डालकर आप पानी स्प्रे कर डालें इसमें, और इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ नॉर्मल सनलाइट इसे मिलती रहे, और बीच बीच में पानी देते रहें आप। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि कितने अच्छे से ये ग्रो कर रही है बेल, और इतने अच्छे से क्लाइंबर्स के रूप में ये बढ़ेगी, और बहुत ये आप सामने देख सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आइए मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊँ। इट ट्रीट्स क्रॉनिक फीवर, इसे क्रॉनिक फीवर के अगेंस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे बॉडी में बूस्ट करता है इम्यूनिटी पावर, कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, ट्रीट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा के अगेंस्ट, अर्थराइटिस, बोन पेन, इट इम्प्रूव्स विजन, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लीवर, हेल्प्स इन वेट लॉस, गुड फॉर हेल्दी स्किन। ये बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी हेल्प होती है, और इसे आप काढ़ा पाउडर के और जूस के फॉर्म में खा सकते हैं।